दोस्तों, दूसरे ग्रहों, तारों और सौरमंडल में जाने का सपना हम सबका तब से ही रहा है जब से एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत हुई है। हम हमेशा से ये सोचकर रोमांचित होते हैं कि क्या हमारी पृथ्वी की तरह किसी और सौरमंडल में जीवन मौजूद है, और अगर है तो वहाँ के लोग कैसे दिखते होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी होती होगी। और भी तरह तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं जिनको हम चाह कर भी नहीं जान पाते, क्योंकि हमारे सामने परेशानी ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उतनी उन्नत नहीं हुई है कि हम दूसरे सोलर सिस्टम्स में यात्रा कर पाएँ और अपने सवालों का जवाब ढूंढ पाए। हम लोग अभी तक इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल टेक्निक अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि स्पेस में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इनफैक्ट लाइट ईयर्स में होता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम पर ही नज़र डालें तो हम पाएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर निकलने में हमको कई सौ साल लग जाएंगे। अगर अभी की टेक्नोलॉजी की बात करें तो न्यू होराइजन को पृथ्वी से प्लूटो पर जाने में 9.5 साल लगे थे। अभी हमारी स्पेस में ट्रेवल करने की करंट मैक्सिमम स्पीड है 430,000 माइल्स पर आवर, और हमारा नियरेस्ट स्टार सिस्टम यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, वहां तक पहुंचने में हमारी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको 6,300 साल लग जाएंगे। और इससे भी स्लो स्पीड जिससे हमने जूनो मिशन कम्प्लीट किया था, अगर उस स्पीड से हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर जाना चाहें तो हमको 17,000 साल लग जाएंगे। मतलब केवल 4 लाइट ईयर डिस्टेंस कवर करने में हमको 17,000 साल लग रहे हैं। तो इन सब डेटा से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हमको इंटरस्टेलर स्पेस में एक्सप्लोरेशन करना हो तो हमको काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रैवल करना होगा। और अगर हम हाई स्पीड ट्रैवल अचीव नहीं कर सकते तो दूसरे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी में जाने का हमारे पास कोई भी फिजिबल तरीका नहीं होगा। हाँ, कई सारे थ्योरेटिकल तरीके तो हमारे पास हैं, जैसे कि वॉर्प ड्राइव, वॉर्म होल, टेलीपोर्टेशन, और भी कई सारे तरीके हैं जो कि हमारे लिए स्पेस ट्रैवल को बड़ी ही आसानी से करा सकते हैं, और इनमें कोई भी बड़ा डिस्टेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि इनमें से कुछ तरीके तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी में यात्रा करा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सारे तरीके केवल थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करते हैं, इनको अभी तक प्रैक्टिकली अचीव नहीं कराया जा सका है। हाँ, एक तरीका है जिस पर हमारा होप बना हुआ है, वो है EM ड्राइव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्राइव। इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा रॉकेट इंजन बनाया जा सकता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा चले। इसमें कोई भी प्रोपल्जन सिस्टम नहीं होगा, और एक डेटा के अनुसार EM ड्राइव के जरिए हम वैक्यूम में 20% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकते हैं। ये इतनी तेज स्पीड है कि इससे हम पृथ्वी से चांद तक केवल 7 सेकंड्स में ही पहुंच जाएंगे। खैर, EM ड्राइव पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी ही टेक्निक के बारे में जानेंगे जिससे कि शायद फ्यूचर में हम स्पीड ऑफ लाइट जितनी स्पीड अचीव कर लें। उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं मेगा ड्राइव, यानी कि मैच अफेक्ट ग्रेविटी असिस्ट ड्राइव। अब इस मेगा ड्राइव में ऐसा क्या खास होता है जो कि हमारे लिए स्पेस ट्रैवल को आसान बनाता है, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आखिर मेगा ड्राइव क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर हमारे आज के रॉकेट्स कैसे काम करते हैं। तो दरअसल रॉकेट में एक प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद होता है जिसमें फ्यूल्स को जलाया जाता है और काफ़ी हॉट गैसेस काफ़ी स्पीड के साथ पीछे से एग्जॉस्ट होती हैं, जिसके द्वारा हमारे रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलता है, और उसी थ्रस्ट और फोर्स के कारण हमारा रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो जितना फास्ट हमारा प्रोपल्शन सिस्टम वर्क करेगा, उस रॉकेट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा तेज होगी। मतलब हमारे आज के रॉकेट के जो प्रोपेलेंट सिस्टम है वो वर्क करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, जो कि ये कहता है कि एवरी एक्शन हैड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट वाले एग्जाम्पल में जितनी तेज़ी के साथ हॉट गैसेज रॉकेट से इजेक्ट होंगी, उतनी ही तेज़ी से हमारा रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि रॉकेट्स में हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में फ्यूल मौजूद होता है, हम ज़्यादा फ्यूल को स्टोर नहीं कर सकते, और अगर हम ज़्यादा फ्यूल को स्टोर नहीं कर सकते तो हम स्पेस में ट्रैवल भी लिमिटेड दूरी तक ही कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए हमको ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता, लेकिन अगर हमको ज़्यादा दूरी को तय करना हो लाइट ईयर्स में तो हमको ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट ही पड़ेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज के रॉकेट्स कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोपल्शन सिस्टम वर्क करता है, और हॉट गैसेस पीछे से कैसे इजेक्ट होती हैं जिसके कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन होता है। अब मेगा ड्राइव और EM ड्राइव में कोई भी प्रोपेलेंट सिस्टम नहीं होता, मतलब इसमें फ्यूल मौजूद ही नहीं होता जो कि बैकवर्ड एग्जॉस्ट के द्वारा हमारे स्पेसक्राफ्ट को फॉरवर्ड मूव कराए। अब अगर फ्यूल नहीं होता तो फिर ये कैसे वर्क करता है? दरअसल मेगा ड्राइव में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, और इन्हीं क्रिस्टल्स के वाइब्रेशन के कारण हमारा स्पेसक्राफ्ट मूव करता है। मेगा ड्राइव को डेवलप करने के पीछे डॉक्टर वुडवर्ड्स का हाथ है। डॉक्टर वुडवर्ड्स ने इसमें काफ़ी यूनिक अप्रोच रखी है, वाइब्रेशन के द्वारा स्पेसक्राफ्ट को मूव कराना। डॉक्टर वुडवर्ड्स के डिज़ाइन से ये बात साबित होती है कि अगर
वाइब्रेशन को सही ढंग से डायरेक्ट किया जाए तो उन वाइब्रेशन के द्वारा फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग सकता है और ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को वाइब्रेट कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आखिर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एक स्पेशल टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें अगर बाहर से कोई भी फोर्स या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस उनको दिया जाए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब अगर आप इन क्रिस्टल्स में बाहर से थोड़ा फोर्स या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन लगाते हो तो इन क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होने लगता है। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, अगर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दें तो उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्रिस्टल्स में वाइब्रेशन जन्म लेते हैं। मतलब अगर बाहर से स्ट्रेस दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, और अगर बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो फिर वाइब्रेशन डेवलप होगी। और ये जो वाइब्रेशन डेवलप होती हैं इनका अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इनफैक्ट 10,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड भी हो सकता है। तो मेगा ड्राइव में पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में वाइब्रेशन के कारण स्पेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। वाइब्रेशन कैसे डेवलप होंगी? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और इलेक्ट्रिक करंट मेगा ड्राइव को कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर से या फिर स्पेस शिप में मौजूद सोलर पैनल से। और अगर सब कुछ डॉक्टर वुड्सवर्थ के प्रोपेलेंट सिस्टम के अनुसार चला तो हमारा स्पेसक्राफ्ट स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी क्लोज स्पीड को अचीव कर लेगा। इसके पीछे का आइडिया ये है कि क्रिस्टल्स में वाइब्रेशन काफ़ी लंबे समय तक चलते रहेंगे, तो स्टार्टिंग में तो यह प्रोसेस स्लो रहेगी। मतलब स्टार्टिंग में तो हमारा स्पेसक्राफ्ट धीमे एक्सेलरेट करेगा, लेकिन क्योंकि ये वाइब्रेशन काफ़ी लंबे समय तक चलते रहेंगे तो धीमे धीमे हमारे स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी और एक्सेलरेशन भी बढ़ता रहेगा। और एक्सेलरेशन तब तक बढ़ता रहेगा जब तक उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी क्लोज ना हो जाए। और जब ऐसा होगा तो हमको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास में इंक्रीमेंट और भी कई सारे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। लेकिन अगर हम मेगा ड्राइव बड़े स्केल पर बना लेते हैं तो हमारे लिए अलग अलग सोलर सिस्टम में स्पेस ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। प्रोबेबली हम पृथ्वी की तरह एक दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट को भी ढूंढ लें। और सब कुछ डिपेंड करता है इस बात पर कि मेगा ड्राइव सही में प्रैक्टिकली वर्क करने लगे। चलिए अब हम इसकी थ्योरी और वर्किंग को डिटेल में जानते हैं। तो वुडवर्ड्स की ये टेक्निक वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ इनर्सिया पर, इनर्सिया में भी मैक इंटरप्रिटेशन ऑफ इनर्सिया पर। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इनर्सिया ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में कंटिन्यूसली होता है जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। मतलब अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, और अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिले। इस डेफिनेशन के अलावा एक और दूसरी डेफिनेशन है जो कि ये कहती है कि जो रेजिस्टेंस आप किसी बॉडी को मूव कराने और रोकने में फील करते हो वो ही इनर्सिया है। तो न्यूटन का ये कहना था, लेकिन 19th सेंचुरी के एक फिजिसिस्ट अर्नेस्ट मैच ने इनर्सिया की एक दूसरी डेफिनेशन दी जिसको मैच इंटरप्रिटेशन ऑफ इनर्सिया कहा जाता है। तो अर्नेस्ट मैच के अनुसार इनर्सिया कुछ नहीं बल्कि सेलेस्टियल बॉडी का ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल पुल है। मतलब जो रेजिस्टेंस आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में फील करते हो वो स्पेस में मौजूद इस यूनिवर्स में मौजूद मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप टेबल पर रखे हुए एक पेन को मूव कराने में जितना रेजिस्टेंस फील करते हो वो इस यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, लाइक हमारा सन, मून, मार्स और जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, उनके डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, जिसकी भले ही वैल्यू कम हो लेकिन वैल्यू तो होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास पर, और इनर्सिया भी डिपेंड करता है मास पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनर्सिया और ग्रेविटी आपस में रिलेटेड हैं। और सर एल्बर्ट आइंस्टीन भी मैच के इस प्रिंसिपल से एग्री करते थे, और इस चीज़ को उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी इंक्लूड किया है। हालांकि इसमें कई सारी कॉन्स्पिरेसीज भी हैं जिसमें मैथमेटिशियन से साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इनर्जिया काफ़ी डिस्टेंस पर मौजूद हेवनली बॉडी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। खैर अगर हम आइंस्टीन की बात को एक्सेप्ट कर लें कि इनर्जिया और ग्रेविटी आपस में लिंक्ड हैं, तो इससे प्रोपेलेंट लेस प्रोपल्शन सिस्टम बनाने की पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। देखिए E=mc² के अनुसार एनर्जी और मास आपस में रिलेटेड हैं, मास डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, और मैच इंटरप्रिटेशन के अनुसार ग्रेविटी डिपेंड करती है इनर्सिया पर, और ग्रेविटी और एनर्जी आपस में डिपेंडेड हैं। तो अगर एनर्जी में चेंज होगा तो उससे ग्रेविटी में भी चेंज होगा और उससे मास में भी चेंज होगा। चलिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं और डॉक्टर वुडवर्ड्स के डिजाइन को सामने लाते हैं जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में कई सारे साइंटिस्ट के फेवर को गेन किया है। तो उनके डिजाइन में पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के साथ दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को क्रिस्टल में से पास किया जाता है तो वाइब्रेशन के कारण उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। इसके कारण एक ब्लॉक
थोड़ा सा मूव करता है और जब इलेक्ट्रिसिटी को वापस से रिमूव किया जाता है तो क्रिस्टल वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वह पीछे वाले ब्लॉक को अपने संग लेकर आता है, मतलब पहले केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंशन हुआ और दूसरे केस में जब इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव किया गया तब भी दूसरा ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आया, मास के कारण, इनर्सिया के कारण, या फिर यूं कहें कि मैच प्रिंसिपल के कारण। तो अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो पूरे के पूरे सिस्टम ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट किया। इन दोनों डायग्राम को देखिए, पहले डायग्राम में एक्सपेंशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ओवरऑल मोशन भी होगा। तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा? आगे वाली डायरेक्शन में। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हटेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और पीछे वाला ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वाइब्रेशन के साथ साथ इन ब्लॉक्स का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। अब देखिए, ये तो बात हुई वाइब्रेशन की, लेकिन इसके साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी होगा। वह कैसे? मैच प्रिंसिपल के अनुसार ग्रेविटी और एनर्जी आपस में रिलेटेड हैं, तो जब मेगा ड्राइव में इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी फ्लक्चुएट करती है तो पार्टिकल उस मूवमेंट पर एक्सेलरेट करने लगते हैं जब पार्टिकल का मास हैवी हो जाता है, और जब मास हैवी होगा तो वो बाकी के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करेगा और इसी पुल के कारण थ्रस्ट क्रिएट होता है जिससे लगातार एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। और अगर ऐसे ही हजारों और लाखों मेगा ड्राइव किसी स्पेसक्राफ्ट में लगा दी जाए तो उससे सफिशियंट थ्रस्ट बन जाएगा जो कि स्पेसक्राफ्ट को ट्रैवल करा पाए, और समय के साथ इतनी वेलोसिटी भी अचीव हो जाएगी कि वो स्पीड ऑफ लाइट को भी अप्रोच करने लगे। वुडवर्ड ने इसको प्रूफ करने के लिए एक थ्रस्टर भी बनाया था जिसमें उन्होंने पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में ब्रास के ब्लॉक को माउंट किया था, और जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है तो ब्लॉक में एक्सपेंशन होता है। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिस्क थोड़ी सी हैवी हो जाती है जिसके कारण वो ब्रास के ब्लॉक को पुल करती है। इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी को रोका जाता है तो पूरा थ्रस्टर हल्का सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और जब बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो वुडवर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि ये थ्रस्टर सफिशियंट अमाउंट में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, और अगर किसी स्पेसक्राफ्ट में ऐसे ही हजारों और लाखों थ्रस्टर लगा दिए जाएं तो उससे इतना सफिशियंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि कैपेबल हो जाए स्पेस ट्रेवल कराने के। इनफैक्ट डॉक्टर वुडवर्ड्स के अनुसार थ्योरेटिकल स्पीड ऑफ लाइट जितनी स्पीड अचीव कराना भी पॉसिबल है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि नासा ने मेगा ड्राइव बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फंडिंग भी अलाउ कर दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केवल वाइब्रेशन से इतना एक्सेलरेशन अचीव कराना कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल पॉसिबल है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ फंडामेंटल वाइब्रेशन से बनी हुई होती है, तो जिन वाइब्रेशन से हमारा यूनिवर्स बन सकता है तो उसी वाइब्रेशन से हम स्पेस ट्रेवल भी आसानी से करा सकते हैं। वाइब्रेशंस में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। जब अर्थ वाइब्रेट करती है तो हम लोगों के घर पूरे हिल जाते हैं, चारों तरफ तबाही हो जाती है जब अर्थ कोई काता है, वो हमारी पृथ्वी के वाइब्रेशन है। एक और एग्जांपल, जब आर्मी के सोल्जर्स किसी ब्रिज पर चलते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप अपने परेड को ब्रेक कीजिए, अपने स्टेप्स को ब्रेक कीजिए, लाइक वो चलते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट करके, तो उनसे कहा जाता है कि ऐसे मूव नहीं कीजिए, तो उनसे कहा जाता है कि अपने स्टेप्स को ब्रेक कीजिए, रैंडमली मूव कीजिए, क्योंकि जब वो लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हैं तो उसके कारण वाइब्रेशन जन्म लेती है, और वो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, उन वाइब्रेशन में इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो पूरे के पूरे ब्रिज को ही तोड़ दे। इसलिए उनको कहा जाता है कि अपने स्टेप को ब्रेक कीजिए। हाँ, अकेला एक सोल्जर इस ब्रिज को नहीं गिरा सकता, लेकिन अगर कई सारे इकट्ठे हो जाएं तो वाइब्रेशन के कारण वो ब्रिज आसानी से टूट सकता है। ऐसे ही हर एक चीज़ की एक फंडामेंटल वाइब्रेशन टोन होती है। निकोला टेस्ला का मानना था कि वह पृथ्वी को एक घंटी की तरह बजा सकते हैं, पृथ्वी को एक बेल की तरह हिला सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी की भी एक वाइब्रेशन टोन होती है, और अगर उन्होंने उस वाइब्रेशन टोन के साथ रेजोनेंस कर लिया तो वो पृथ्वी को एक बेल की तरह हिला सकते हैं। तो ये होती है वाइब्रेशन की पावर, और मेगा ड्राइव में भी कुछ इसी प्रकार के प्रिंसिपल वर्क करते हैं, वाइब्रेशन के जरिए थ्रस्ट बनाना, एक्सेलरेशन बनाना। और इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी है, इसलिए नासा ने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा हाई फंडिंग भी इन्वेस्ट की है। अगर ये मेगा ड्राइव सही में बन जाती है तो हमारे स्पेसक्राफ्ट प्रोपेलेंट लेस हो जाएंगे, हमको फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर और सोलर पैनल से ही हमारा काम हो जाएगा। खाली हमको पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिसिटी ही देनी होगी, बस हमको ये मेंटेन करना होगा कि हमको कितने वाइब्रेशन पर सेकंड अचीव कराने हैं, और उसके लिए हमको कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, और अगर एक्सेलरेशन अचीव कराना है तो वाइब्रेशंस को कैसे मेंटेन करना होगा, ये हमारा टास्क है। सभी मेगा ड्राइव्स को हमको आपस में सिंक्रोनाइज करना होगा कि सभी वाइब्रेशंस एक ही टोन में हो, जिससे हमारे स्पेसक्राफ्ट में एक्सेलरेशन जनरेट हो पाए। और इस पर हम लगातार काम भी कर रहे हैं, और हमने माइक्रो न्यूटन रेंज में
थ्रस्ट प्रोड्यूस भी कर लिया है। हाँ, अमाउंट कम है लेकिन स्टार्टिंग के लिए ये काफ़ी है। खैर, आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएं।